नमस्कार माई सेल्फ मयंक शेखर मिश्रा वेलकम टू स्वास्थ्य एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्लेटोज फिलोसफी द एलोगरी ऑफ द केव एक केव के माध्यम से किस तरीके से प्लेटो अपनी फिलॉसफी को इस्टाब्लिश करेंगे और कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे आइए इसको समझते हैं प्लेटो ने अपनी फिलॉसफी को समझाने के लिए एक केव का एग्जाम्पल लिया एक गुफा का एग्जाम्पल लिया एक गुफा का एग्जाम्पल लिया और उन्होंने बताया कि एक गुफा है, जिसके सामने एक दीवार है और उस पर कुछ बैठे हुए हैं कुछ कैदी बैठे हुए हैं और एक कब से बैठे हुए हैं तो जब से ये जन्म लिए तब से यहां बैठे हुए हैं एक हाइपोथेसिस है कि कुछ प्रिजनर्स एक गुफा की दीवार के ठीक सामने वाली दीवार पर बैठे हुए हैं और कब से बैठे हुए हैं तो जब से ये जन्म लिए तब से बैठे हुए हैं और कैसे बैठे हुए हैं तो दीवाल गुफा की दीवार को के ठीक सामने है यानी ये गुफा की दीवाल है उसके ठीक सामने ये प्रिजनर्स बैठे हुए हैं बचपन से लेकर आज तक उन्होंने गुफा की दीवार को ही देखा है यानी इस केव की वॉल को ही इन्होंने हमेशा देखा है इनकी सोच इनकी जो थिंकिंग है वो किसके सराउंडिंग है तो सिर्फ और सिर्फ इस केव की वॉल के सामने के सराउंडिंग यानी इन्होंने हमेशा किसको जाना तो इस दीवाल को ही जाना अब जिस दीवाल पर ये प्रिजनर्स हैं उसके ठीक पीछे कुछ लोग खड़े हैं जो कुछ थिंग्स लिए हुए हैं कुछ वस्तुओं को रखे हैं और उनके ठीक पीछे आग जल रही है तो ये जो फायर है इसकी लाइट इन वस्तुओं पर इन थिंग्स पे पड़ती है और उसका शेडो उस दीवार पे पड़ता है एक बार और समझते हैं इसको कि जो फायर है उसकी लाइट पकड़े हुए जो थिंग्स हैं जो ये ये लोग पकड़े हुए हैं इस थिंग्स को उस पर पड़ती है और उसकी परछाई उसका शेडो सामने की दीवाल पर पड़ता है यानी कि ये जो प्रिजनर्स हैं इन्होंने बचपन से लेकर आज तक इस शैडो को ही देखा है वो नहीं जानते कि उनके पीछे कुछ वस्तुएं हैं जिन पर आग की परछाई बन रही है वो परछाई वो देख रहे हैं उन्होंने किसको ट्रुथ माना तो उन्होंने ट्रुथ माना इन शैडो को जबकि ट्रुथ क्या है ट्रुथ तो उनके पीछे है जो कि वस्तुएं हैं और वो वस्तुएं किससे शैडो बना रही हैं तो लाइट के द्वारा किसके लाइट के द्वारा तो जो पीछे आग जल रही है यानी ट्रुथ यहां था और ट्रुथ को समझा इसको इनको रियलाइज ही नहीं कि जो जिसको ये ट्रुथ मानते हैं एक्चुअल में फॉल्स है और जिसको ये फॉल्स मान रहे होंगे अगर देख भी लेंगे तो क्योंकि इन्होंने इसको देखा ही नहीं और अचानक अगर ये दिख भी जाए तो इसको फॉल्स मानेंगे क्योंकि वो ट्रुथ उसी को मानेंगे जिसको वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं तो कोई इंसान आएगा जब दीवार के अंदर जिसको यह रियलाइज होगा कि इन प्रिजनर्स ने हमेशा शैडो को ही ट्रुथ माना है वो आकर इनको बताएगा कि आपने जो देखा है अब तक वो ट्रुथ नहीं है ट्रुथ तो आपके पीछे है तो ये विश्वास नहीं करेंगे क्यों विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि इनके दिमाग में जो इमेज है वो शैडो की ही इमेज है वो उसी को ट्रुथ मानते हैं बाकी पीछे बनी हुई चीजें और लाइट को नहीं समझ पाते हैं कि लाइट काम क्या करती है शेडो बनाने का तो ये प्रिजनर्स को जब बाहर ले जाया जाएगा इस गुफा के जब बाहर ले जाया जाएगा और जब ये प्रिजनर्स इस गुफा के बाहर आएंगे तो क्या होगा तब वो सन को देखेगा तब वो सन को देखेगा सन को देखेगा और सन से बने बर, से बनने वाले शेडो को देखेगा तब उसको रियलाइज होगा कि शेडो किससे बन रहा है तो शेडो लाइट से बन रहा है यानी उनको इस बात का रियलाइजेशन तब होगा जब एक्चुअल में वो उसको देख पाएंगे यानी उनके अंदर इनलाइटमेंट आएगा और वो ये समझ पाएंगे कि जो जीवन भर उन्होंने देखा वो ट्रुथ नहीं था ट्रुथ जबकि कुछ और है जिसको वो ट्रुथ मानता था वो फॉल्स है और जिसको फॉल्स मानता था वो ट्रुथ है जब ये रियलाइजेशन होगा तब वो फिर से गुफा के अंदर आएगा और अपने बाकी प्रिजनर्स को बताएगा कि जिस शैडो को तुम देख रहे हो वास्तव में वो ट्रुथ नहीं है ट्रुथ तो पीछे है जो कि ये थिंग्स हैं, और ये थिंग्स का शैडो किससे बन रहा है तो इस लाइट से बन रहा है तो इस तरीके से प्लेटो ने यह बताने का प्रयास किया कि जिस चीज को हम बचपन से देखते आ रहे हैं समझते आ रहे हैं एक्चुअल में वो एक शैडो है एक रियलिटी का शैडो और हम उस रियलिटी के शैडो को ही सही मान रहे हैं जबकि ट्रुथ तो कुछ और है आइए इसको हम अगर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं अपनी दुनिया में अगर इसको अप्लाई करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है इस फिलॉसफी का तो आइए इसको समझते हैं कि क्या रिजल्ट है इसका इस रियल वर्ल्ड में तो अगर हम देखें तो जो गुफा है जो केव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिस दुनिया में हम जी रहे हैं और हमको वही दिखाया जा रहा है उसी को हम सच्चा सच सच्च मान रहे हैं जैसे अगर हमारे पास अच्छा वेल्थ है अच्छा पैसा है अच्छा नेम फेम है पावर है मनी है जब ये सारे चीज़ें हमारे पास हैं तो हम दुनिया को उसी के अनुसार एनालिसिस करने लगते हैं यानी जिस दुनिया में हम जी रहे होते हैं उसके उसका जो आभा मंडल है जिसको हम कहते हैं उस दुनिया का लाइट लाइट का मतलब वेल्थ की लाइट हो गई नेम फेम पावर मनी की लाइट हो गई ये सारी लाइट हमको वो दुनिया दिखाती है जो रियल दुनिया नहीं है यानी हम सब एक प्रिजनर हैं इस दुनिया में हम चीजों को वैसे एनालिसिस करते हैं जैसे जिस रकम में हम जी रहे होते हैं जबकि रियलिटी कुछ और होती है अगर हमारे पास पैसा है तो हम पूरी दुनिया को उसके हिसाब से देखने लगेंगे अगर हमारे पास नाम है तो हम अपनी अपने ही चीजों से दुनिया को एनालिसिस करने लगेंगे अगर हमारे पास पावर आ जाए तो हम अपनी अपनी अवस्था से ही अपने ही सर कम से दुनिया को चलाने लगेंगे यानी जो चीजें हम देख रहे होते हैं जो चीज हम फील कर रहे होते हैं जो चीज हम महसूस कर पा रहे होते हैं वो चीज एक्चुअल में रियल नहीं होती हैं रियलिटी तो कुछ और होती है जिसको समझने के लिए हम हम हमें अपने सर को पीछे घुमाना होगा यानी इनलाइटमेंट को लाना होगा जैसे वो प्रिजनर्स सामने की दीवार के सैडो को देखता था पीछे मुड़कर नहीं देख पाता था कि वास्तव में रियलिटी क्या है ठीक वैसे ही हम जिस दुनिया में जी रहे होते हैं जिस दुनिया में हमारा हमारी परवरिश होती है जिस दुनिया में हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस होते हैं उसी दुनिया को हम सत्य मानते हैं जबकि रियलिटी कुछ और होती है कुछ अलग होती है यानी जो केव है वो यह दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं और प्रिजनर्स कौन है तो प्रिजनर्स हम लोग हैं हम रियलिटी को अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं जो हम देखते आ रहे हैं हमारे पास अच्छा पैसा है तो हम वैसे ही देखेंगे हमारे पास अगर नेम फेम पावर है तो हम वैसे दुनिया को देखेंगे वी आर द प्रिजनर द ह्यूमन बींग इज प्रिजनर और रियलिटी क्या है एक्चुअल में रियलिटी लाइट है लेकिन हम किसको रियल मान रहे हैं उस फॉल्स को जो कि हम महसूस कर रहे हैं और पूरी दुनिया को उसी के अनुसार एनालिसिस कर रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे आप ए में बैठे हो और पूरी दुनिया को मैं समझ रहे हो कि गर्मी नाम की चीज ही नहीं है क्योंकि हम प्रिजनर्स हैं हम प्रिजनर्स हैं इस दुनिया में अपने सरकम स्टांसेस से हम दुनिया को एनालिसिस करते हैं तो ये प्लेटो की फिलॉसफी जिसको मॉडर्न टाइम में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि हम रियलिटी उसी से समझते हैं जैसा हमारा सरकम स्टांसिस होता है और रियलिटी को समझना है अगर एक्चुअल में तो हमें रिसर्च करना ही पड़ेगा हमें अपने बैग देखना ही पड़ेगा बैक देखने का मतलब ये रिसर्च करना ताकि इनलाइटमेंट आ सके ताकि हम ये अंतर कर सकें कि जो फॉल्स है वो ट्रुथ है और जो ट्रुथ है वो फॉल्स है और जब रिसर्च करेंगे जब इस इनलाइटमेंट को हम जगाएंगे जब इस कंसाइंस को बाहर निकालेंगे कि जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में ट्रुथ नहीं है जब ये कंसाइंस आएगा तो वास्तव में इनलाइटमेंट होगा इस तरह से हमने प्लेटो की फिलोसफी एलोग्री ऑफ द केव को समझा बने रहिए स्वास्थ्य का के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में धन्यवाद